सबादा रतो का ढट्ठा जो है होड़े नहीं लभदा। ओए देखी होले होले देख दास यार ये क्या स्टाइल बनाया हुआ है। पानी कम लगाओ यार, सारे पौधों को उल्टियां आ रही है। हमारा साथ दिया करें, हमारे साथ रहे हैं और हमें जो है ना दो में याद रखा करें। और मड हाउस का मैं ख्वाब देख रहा हूँ जी, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने आस पास नींद करना तेरी फुल खैर हो, बस तेरी फुल गाल है। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। आज सर्दी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा धुंध है सोच से भी ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां लग चुकी हैं और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। अब जो है ना मेरी बारी है, रोटी पर मक्खन लगा दी है। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाए, मोस्ट वेलकम, नाश्ता कर ले फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता मैंने कर लिया और धुंध ये आप देख सकते हैं। टाइम हालांकि काफ़ी हो चुका है, 8:30 का टाइम हो रहा है, नहीं 8:15 का, तो अभी तक जो है ना धुंध बरकरार है। तो मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ यहाँ से और अपनी बेटी को छोड़ना है स्कूल, स्कूल छोड़ के फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला। ये खड़ी है जी बाइक, चाबी बाइक के अंदर खड़ी है। और मोहम्मद कहाँ की तैयारी कर रहे हो मोहम्मद? कितना मेला पाए? मसीद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़्यादा धुंध है जी, अभी तक जो है ना धुंध ख़त्म नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे। वैसे सूरज थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे जी। इस धुंध में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं, बस लाइटें नज़र आ रही थी, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कैमरे में जो है ना कुछ साफ नजर आ रही है चीजें, लेकिन ऐसे जो है ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह ताला रहम फरमाए जी। तो मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरे हाथ पांव जो है ना वो बिल्कुल बर्फ की तरह हो गए हैं। आग जली हुई है, अस्सलाम वालेकुम। आग बुझ गई, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, उम्मीद करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहे खुश रहे, बाद रहे, हमें दो में याद रखे, हंसते मुस्कराते रहे फूलों की तरह, आमीन सुम्मा। तो जने हुए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। और सुबह सुबह का टाइम है, काम जो है ना आधा मेरा खत्म हो चुका है और आधा काम जो है ना मैंने अभी करना है। ये तो बर्फ है, आग जो ना बुझ गई है तो चले और जला लेती हूँ हाथ से। तो जलाए यार, मेरे हाथ में बिल्कुल जो है ना बर्फ की तरह हो गए, बहुत ज्यादा जो है ना ठंडे हो गए। सर्दी बहुत ज्यादा है, धुंध, तो आज सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि कपड़े की धुलाई कर लूं, अल्लाह का नाम मानो यार, इतनी सर्दी है क्या करूँ, कपड़े तो धुलाई करने हैं। ये क्या किया कवे ने, ये ऊपर से कुछ फेंका यार, पानी था ना जो तार के ऊपर, हाँ, जब तार के ऊपर बैठा ना वो तार के ऊपर, हाँ, जो शबनम पड़ा हुआ है वो गिरा। मैंने सोचा कि बीट शीट मार दी, नहीं नहीं बीट नहीं, वो पानी था। चलो आग, चलो यार आग जल्दी से।
वाह मेरे मालिक तेरी शान, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी आधा घंटा गुजरा है, मैंने आग जलवाई, आग से की, अब बहर निकला तो धुंध बिल्कुल खत्म हो चुका है, सूरज निकल आया है। वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर है, नीचे आ गया है, सूरज के आगे जो है ना बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है ना सूरज निकला हुआ है। और ये धूप जो है ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में जो है ना धूप बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि सर्दियां जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं, जब धूप निकलती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो अब मैं जा रहा हूँ ओल्ड घर में, आपकी भाभी तकरीबन वहीं पर चली गई है। वो बोल रही थी कि मैंने कपड़े धोने हैं, कपड़े तकरीबन मशीन में डले हुए, मशीन चल रही थी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी, तकरीबन यहीं पर आई हुई है। तो चल के उनसे मिलते हैं, क्योंकि अगर वो नजर ना आए तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। बख्तावर, क्या हाल है चाचू, ठीक वदिए? हाँ। सलाम कर। कैसे आंटी जंकल? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? है आज बटन आपका ऑफ है, हंसने वाला कीवे खिल दिए, खिल दी कीवे। गंदी बच्ची, ये इधर बैठी है जी, ये देखें, मैं इसे ढूंढ रहा था। ये खुबैब इधर आ गया था तो इसकी जीने देख रही थी। अरम क्यों छुपा हुआ है? सलाम कर, और ते जोर से सलाम किता कर मैं मुंह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आंटी जंकल? कैसे आंटी जंकल? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नोजी साफ नहीं करता हूँ। नोजी साफ करो। कहाँ पे जा रहे हो? हैं? दुकान पे। क्या लेने के लिए? शाय। शाय? अच्छा ले आओ, शाबाश जाओ। गंदे बच्चे, कपड़े आप मशीन में डाल के इधर आ गए। बस मैं आ रही हूँ। मशीन जो चल रही थी उसका कौन ध्यान रखेगा? आप बैठे थे। हैं? हम तो बैठे थे अंदर, हमें पता भी नहीं था। मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला। टाइम मैं देख कर आई थी, मैंने कहा कि इसी टाइम पे मैं आ जाऊं। अच्छा, मशीन भी बंद हो जाएगी। कितना टाइम गुजर गया है? अब टाइम गुजर गया होगा 5 मिनट। 5 मिनट? अल्लाह का नाम मानो, 5 मिनट से ज्यादा तो मुझे हो गए हैं बाहर निकले हुए, आप मुझे नहीं दिखाई दी। चलते हैं, चलते हैं, चल। आपको घर आराम नहीं आती हैं? मैं उधर अकेला बैठा हूँ, मैं बाहर निकला तो ये है भी नहीं घर। कपड़े आए थे, हम खुबैब की पैंट वही मैं ढूंढने के लिए आई थी। पैंट जो है ना रात वो खुबैब खुद ढूंढ गया था, मुझे पता नहीं था, तो वही लेने के लिए आई थी। मैंने कहा मशीन तो लगा रही हूँ यार, थोड़ा सा अगर इसे टाइम मिलता है ना तो ये भागती है इधर, थोड़ा सा भी अगर टाइम मिले। मुझे नजर नहीं आती, मुझे ढूंढना पड़ता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तो माफ करेगा यार। काम काम करना पड़ेगा, मुझे तो काम यार इतने होते हैं आपको इधर के? जी हाँ, घर के काम नहीं होते। आ जाओ, अच्छा आ जाओ, मशीन तकरीबन बंद हो चुकी है। मशीन बंद हो चुकी है, इसने कहा था कि मैं टाइम देख के आई थी। अरहम चीजी ले आया है, क्या खा रहा है अरहम? है मामा? पापड़। पापड़ ना खा दे कर, कपड़े कुछ धुलाई हो चुके हैं जी, तार पे भी डाले जा रहे हैं। कुछ धुलाई हो चुके हैं, कुछ धुलाई हो रहे हैं। अच्छा जी, कितने बच्चे हुए हैं बाकी जी? कितने बाकी बच्चे हुए हैं? आधे धुल चुके हैं, आधे रह गए। अच्छा, चलो शुक्र है आधे तो धुल गए जी। आधे कपड़े मेरे धुलाई हो चुके हैं। इधर देखें, ये दीवार पे मैंने डाल दिए जुराबें, और इधर जो है ना आपका भाई नाखून की कटाई कर रहा है। मामू जान के नाखून जो है ना बड़े बड़े हो गए थे, तो कटाई हो रही है। मूंछों की सेटिंग हो गई है जी। तो अबू जान के नाखून मैंने काट लिए हैं, और ये देखें जी, कपड़े भी आपकी भाभी ने धो के इधर डाल दिए हैं।
और ये इधर आ गए हमारे प्याले प्याले भांजे भांजियां और मिल रहे हैं अपने फूफो को अन्नम को मुझ कह नहीं आई वदी है अन्नम खाना क्या खाना वदे मामू मुँह ना तेरा की में हाल है ठीक वदी मामू तबीयत हूँ ठीक है माशाल्लाह मैं मोना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तैयब वो इंशा भी मसरूफ है सलाम करो माशाल्लाह माशाल्लाह तू शाय खाए मामू केड़ी शाय खा दी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह कैसे हैं आंटी अंकल कैसे हैं अभी वो बिजी है चीजी खाने में मामू तू तो सलाम कर आजा आजा सलाम कर आक अस्सलाम वालेकुम अन्ना मो करें दिया का सलाम आक अस्सलाम वालेकुम अन्ना मो तेरी अम्मी तक दे दी बेटी पता ही भी हाँ सलाम कर सलाम कर शाबाश अन्ना मो मामू सलाम कर मामू सलाम आक अस्सलाम वालेकुम अन्ना शर्माती है बहुत ज्यादा मेरे कपड़े जो है ना बस आखिरी धुलाई हो चुकी हैं इसको कार पे डालती हूँ फिर मैंने चलें शुक्र है जी धुलाई हो चुके हैं सारे कपड़े बर्तन अभी धुलाई करने हैं जी मामू खोल दे माँ अच्छा एक मैं खोल की बोला खा छोड़ा है कौन खासी अच्छा खोल दे खाना नहीं आए हाँ हाँ खुल गया है अब आधा खा लूँ आधा खावा आधा खावा हाँ तू खा मामू हाँ जी आधा खा जानी आया बदे और रे मामू और ते सलाम कर हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आंटी जंकाल कैसे आंटी जंकाल उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आप सब ठीक होंगे आप सब जैन शर्मा आ गया है मोना तू मामू की बकरे अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल उम्मीद है आप सब ठीक होंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे है मामू ए ना खादा कर गाल हा बतुआ ए तो ना खादा कर अगे देखा तबीयत तेरी खराब है बर्तन बस थोड़े से हैं ज्यादा नहीं है मिट्टी है और थोड़े जो है ना कटोरियां वगैरह गिलास वगैरह जो सुबह नाश्ता करते हैं ना बस वही बर्तन हाँ जी कल शाम को जो थे वो तो मैंने धो के रख दिए थे सही होगी मामू आप उधर चलो गीले हो जाओगे सर्दी है सर्दी ओए देखी होले होले देख दास यार ये क्या स्टाइल बनाया हुआ है मैं कह रहा कहीं के नहीं गिचे बना वाला नाम ना पवे ओ यार ये कोई सफर है मैंने सोचा देख लो किस तरह ये रखती है बर्तन अब समझ आई हाँ जी अब समझ आई तेरी फुल गाल है बस
वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है, ओके जी ओके, ओके जी ओके। कपड़े सारे इसने धो लिए हैं माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं दीवारों के ऊपर जुराबें खड़ी हैं, इधर दीवारों के ऊपर कपड़े हैं, तार के ऊपर भी कपड़े हैं, टोटली किड्डे और डिठे में ये खड़े हैं माशाल्लाह जी। जो अहमद भाई और सबा भाभी का मड हाउस बन रहा है ना, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी से जब इसकी छतें कंप्लीट हो जाएंगी, ये मुकम्मल घर बन जाएगा मड हाउस, तो कितना प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह। वैसे डिजाइन है जो है ना बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा जो है ना हमें पसंद आई है डिजाइन है, जिस तरह बना रहे हैं ना माशाल्लाह। VIP दिल खुश होता है देख कर, अल्लाह ताला उनके नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन यार रब्बुल आलमीन। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। और कच्चे घर जो होते हैं ना, जो लेपा वो क्या कहते हैं, लेपा चोपा करते हैं ना, वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो प्लेसर पक्के कमरे होते हैं, प्लेसर वगैरह किए हुए होते हैं ना, तो वो न्यू नहीं होते, उन्हें कलर वगैरह बंदा करे तो फिर जो है ना वो न्यू लगते हैं, लेकिन ये मिट्टी से जब लेपा करते हैं ना, वो पोला देते हैं, हम सरायकी में पोला बोलते हैं, वो बिल्कुल न्यू और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया है कि कच्चा घर होने त्रे में देखो, तो पक्का घर होने जवान वो जवान जड़े वे लई जी थी सी, तो बड़वे सी जुड़वे सी, तो बड़वे सी ना तो खड़े। हाँ, और आज के लोग मिट्टी से टीगोल के अपना लेपा जो पक्का, ये आसान काम है ना, यानी कि घर में हो सकता है। हाँ, हमारा इरादा था यहाँ पे बनाने का छोटा सा ऐसे मड हाउस की तरह, लेकिन हमारी जगह जो है ना वो कम है, तो इंशाअल्लाह ताला लजीज आप सब बहन भाइयों की दुआ से कभी जो है ना हम ज़रूर बनाएंगे, अगर हमें जगह मिल गई आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट से, कभी हमने कहीं पे ज़मीन वगैरह ली तो इंशाअल्लाह ताला लजीज हमारा इरादा है, हमारी सोच है कि हम जो है ना ज़रूर बनाएंगे मड हाउस, बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन का, दिल जो है ना खुश हो जाए बनाने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर लेंगे और जरूर जो है ना वो बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह धूप बहुत प्यारी निकली हुई है, और धूप को हम सेक रहे हैं, ये तो बेचारी कपड़े धोती रही, बर्तन धोए कपड़े धोए सारे, और अब जो है ना ये सेक रही है धूप को, अभी धूप कैसा है ये सोच रही यार, सोजिश अभी तक सही तरह से उतरी नहीं है, हाँ अल्लाह ताला खैर करे यार, इससे जो है ना तकलीफ है गोलती रहती है, ढूंढती रहती है, किलो वदी है, अल्लाह ताला इको सलामत रखे, अल्लाह ताला इको सियात कामिल आजल अता फरमाए, कभी कोई तकलीफ कभी कोई तकलीफ समझ नहीं आती इसके साथ बेचारे के साथ हो क्या रहा है, तो परेशानी तो फिर मुझे होती है, अगर इसे कुछ होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बेगम साहिबा है, एक ही बीवी है, हाँ किसी किसी की दो हैं, तीन हैं, चार भी हैं, मेरी तो बेचारी एक ही है, दूसरी वैसे ये करने नहीं देती शादी, वैसे दिल तो करता है मर्द का, शुक्र है, वैसे अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है चार बीवियों की, बंदा शादी कर सकता है चार, लेकिन शादी कर सकते लेकिन ये जो है ना इजाज़त नहीं देती औरतें, पता नहीं मसला क्या है इनको यार, कुछ नहीं होता, ये सवाब का काम है, क्योंकि औरतों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, तो इसलिए मर्द को चाहिए कि शादियां जो है ना ज़्यादा करें, ताकि ये औरतें जो ज़्यादा हैं ना चलें उनको घर मिल जाए, घर वाला मिल जाए, हैं सही है कि जब दूसरी शादी की बात आती है ना और तू को पता नहीं क्या हो जाता है, सहम जाती है बेचारी यार, वैसे मजाक करे ना प्यार भी मजाक। अच्छा मेरा बाज थक गया है, अब मैं थोड़ी सी सही करता हूँ, फिर मिलते हैं। काफी थक गए थे हम, तो इसीलिए हम लेट गए हैं, क्योंकि धूप लग रही थी बहुत ही प्यारी प्यारी, VIP अच्छी अच्छी, सुकून आ रहा था, सुकून आ रहा था, और मक्खियां भी बहुत तंग कर रही हैं हमें, बस इसी का काम ही है ना तंग करना, और के काम है क्योंकि इस मौसम में मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं,
और जब गर्मी आती है तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है ना दोनों मौसम में ये हमें परेशान करते हैं, गर्मियों में मच्छर और सर्दियों में मक्खियाँ। और कौन सा मौसम, ये दो मौसम तो होते हैं। हाँ, दो मौसम तो होते हैं। बेचारों को और क्या काम है, ये काम है तंग करना बस। अब धूप जो है ना वो ज्यादा लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, दिल कर रहा है कि कोट उतार दे। गर्मी हो रही है, मैं तो इधर ये देखे मेरा चेहरा जो है ना ये छांव में पड़ा है, ये धूप पे पड़ी है, इसे सर्दी ज्यादा लगती है क्योंकि मेरी एच भी बहुत ज्यादा है और इस बेचारे की कम है। मेरी एच भी है 16 और इसकी है 11, खुद अंदाजा कर ले। अब तो 11 से कम है, जब अब है ना वो मेरी डॉक्टर से, हाँ आज है ना कम है, काफी कम है क्योंकि खून की कमी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एच भी हाई है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको सियात कामला अता फरमाए, हमारी दुआ है। और सुकून तो बहुत आ रहा है, तो प्यारे बहन भैया आप सब से गुजारिश है हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, हमारा साथ दिया करें, हमारे साथ रहे हैं और हमें जो है ना दुआओं में याद रखा करें। हाँ जी, और मड हाउस का मैं ख्वाब देख रहा हूँ जी, वो भी इंशाल्लाह ताला हम जल्दी बनाएंगे, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से और आप सब की सपोर्ट से जी वो भी तो बन जाएगा। मुझे जो है ना नींद आ रही है, नींद आ रही है सुकून आ रहा है, आंखें बंद हो रही है मेरी, तो फिर सो जाएं। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने आसपास रिश्तेदारों का, प्यारों का, हक हमसायों का। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।